आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिगर ऑफ एट का सूचर्स। अब मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट है जिसके सेकंड टो जो है उसे इंजरी हुई थी, उसके वजह से उसका जो नेल है पूरा निकला हुआ है, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसे कैसे, जनरली बाकी ओपीडी में क्या होता है, कहीं पर भी ये जो नेल है उसे रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ रिमूव न करते हुए फिगर ऑफ एट के सूचर की मदद से इसे बचाने वाला हूँ। और ये पेशेंट मेरे पास फॉलोअप के लिए भी आया है, फॉलोअप में भी देखा मैंने उसका नेल कोई साइनोसिस नहीं, कुछ नहीं, पूरा हेल्दी और पेटेंट है। यहाँ मैंने 30 इथिलोन सूचर मटेरियल यूज़ किया है। सबसे पहले आपको जो है मेडियल टू लैटरल एट द टिप ऑफ फिंगर, मतलब टिप जो है वहाँ से मेडियल टू लैटरल जो है नीडल को एंट्री करने और एग्जिट लेना है। जैसे देखिए ये मैंने लिया। अब यहाँ पे कैसे, एक बेसिक स्किल होती है सूचरिंग की, क्या कि आपके जो मोमेंट होती है, जो आपने नीडल होल्डर जो पकड़ा है आपने, उसकी जो मोमेंट है पूरी रोटेशन जो है वो पूरे आपके रिस्ट जॉइंट से होने चाहिए, तभी आपकी नीडल जो इजीली एंट्री और आउट हो जाता है, इन और आउट हो जाती है, अदरवाइज आपको दिक्कत होती है उसमें। अब देखिए जैसे मैंने पहले लिया, अब सेकंड जो है आपको वैसे ही सिमिलर जैसे आपने टिप ऑफ फिंगर पे लिए ना एंट्री और एग्जिट नीडल की, वैसे ही लेनी है। बस आपको कहाँ पर लेनी है, एट द बेस ऑफ नेल, जो नेल का जो बेस है वहाँ पर स्किन में से लेनी है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिए कि स्किन से मेडियल से एंट्री ली और लैटरल एग्जिट किया, वैसे ही, मतलब याद रखिए अगर आपने यहाँ पे रिवर्स किया होता कैसे कि लैटरल टू मेडियल एंट्री और एग्जिट की होती तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसलिए फिगर ऑफ एट में आपको यही याद रखना है कि जो अपोजिट साइड में जो आपने जैसे एंट्री और एग्जिट की है वैसी ही सिमिलर उसी के पैरेलल में जो आप दूसरी साइड है वहीं पर आपको एंट्री और एग्जिट लेनी है, जैसे इसमें लिए। अब आपको क्या करना है, उसके बाद जो पहले एंट्री लेने के बाद जो थ्रेड बचा था एंड, जो एक एंड है उसे, और जो आपने अभी बाद में आउट किया है सेकंड टाइम उसका जो थ्रेड है अपना जो कि निडल में अटैच है, उन दोनों की नॉट जो है वो टाई करनी है। अब नॉट टाई करने में कैसा है, एकदम इजी है। निडल होल्डर पे आपको जो लॉन्ग एंड है जो है थ्रेड का उसे बस दो बार रोल करना है ऐसे, और फिर जो टिप ऑफ निडल होल्डर है उससे आपको शॉर्ट एंड जो है थ्रेड का उसे कैच करना है, और फिर जो ये दो बार रोल की हुई जो नॉट है निडल होल्डर पे उसे बस आपको स्लाइड करना है जहाँ वो नॉट्स होनी चाहिए वहीं पे। दो जो थ्रेड है एक राइट और एक लेफ्ट पे आपको अपोजिट डायरेक्शन में उसे खींचना है, बराबर नॉट जो है आपकी स्लाइड करके एग्जैक्टली पोजीशन पे जाती है, जैसे यहाँ पे आप गई है। अब हुआ क्या है, यहाँ ये जो थ्रेड है जो फिगर ऑफ एट आना चाहिए ना, जैसे कि प्रेशर जो है एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए नेल पे, तो ये एक जो इंड है उसे मैं अभी नीडल होल्डर से पकड़ के थोड़ा सा इस साइड लेने वाला हूँ लैटरल साइड पे, तब जो है एग्जैक्टली नेल पे कॉम्प्रेशन आएगा जैसा उसे चाहिए, वैसे जो नेचुरल पोजीशन है एनाटॉमिकल पोजीशन नेल की वैसे ही मेंटेन होती है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब पहली नॉट होने के बाद मैंने सेकंड नॉट ली, सेकंड नॉट लेने में भी आपको वैसे ही लेनी है, जैसे कि एक बार रोल करो और फिर शॉर्ट एंड को पकड़ो और फिर खींचो, जैसे अब ये जो है एप्रोप्रिएट टाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हुई है और मैं अब थ्रेड जो है वो कट करने वाला हूँ। फाइनली अपना फिगर ऑफ एट का सूचर्स हो गया है, ये देखिए ऐसा दिखता है फाइनल जो हुआ।